प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में प्रकाशोत्सव में पहुंचे हैं। अब संबोधित करने मंच पर प्रधानमंत्री बिहार के राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, पंजाब के उपमुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी हरसिमरत कौर जी, गुरुद्वारा पटना साहिब के अध्यक्ष श्रीमान अवतार सिंह जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान के आर बांधुगर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी प्यारे भाई और बहनों, श्री पटना साहब गुरु जी नगरी विखे दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिन दे दिहाड़े गुरु साहिबान दी बख्शिश ले आई साध संगत तुहानू मैं जी आइया आपदा हां इस पवित्र दिहाड़े ते मैं तुहानू सारियानू नवे साल दी लख लख बधाइयां भी दिंदा हां। आज हम पटना साहब की इस पवित्र धरती पर इस प्रकाश पर्व को मनाने में भाग्यशाली हुए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय रहते हैं, सिख समुदाय रहता है, दुनिया के सभी देशों में भारत सरकार ने हमारी एम्बेसीज के माध्यम से इस प्रकाश पर्व मनाने के लिए योजना बनाई है, ताकि न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व को इस बात का एहसास हो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज 350 साल वर्ष पूर्व एक ऐसा दिव्यात्मा का जन्म हुआ जिसने मानवता को कितनी बड़ी प्रेरणा दी, ये विश्व को भी परिचय हो उस दिशा में भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। मैं श्रीमान नीतीश जी को, सरकार को, उनके सभी साथियों को और बिहार की जनता को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं, क्योंकि पटना साहब में ये प्रकाश पर्व एक विशेष अहमियत रखता है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, सर्वपंच समभाव, इसका बहुत ही मजबूत संदेश देने की ताकत ये पटना साहब में प्रकाश पर्व को मनाने में है। और इसलिए नीतीश जी ने जिस मेहनत के साथ, स्वयं मुझे बताया जाता था
कि स्वयं गांधी मैदान आकर के हर चीज की बारीकी से चिंता करके इतने बड़े भव्य समारोह की योजना की है कार्यक्रम का स्थल भले पटना साहब में हो, लेकिन प्रेरणा पूरे हिंदुस्तान को है, प्रेरणा पूरे विश्व को है। और इसलिए ये प्रकाश पर्व हमें भी मानवता के लिए किस रास्ते पर चलना है, हमारे संस्कार क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हम मानव जात को क्या दे सकते हैं, इसके लिए एक पुनः स्मरण करके नए उमंग उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का ये अवसर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये त्याग की प्रतिमूर्ति थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि आंखों के सामने अपने पूज्य पिता का बलिदान देखे और अपने ही मौजूदगी में अपने संतानों को भी आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए, मानवता के लिए बलि चढ़ते देखे और उसके बाद भी त्याग की पराकाष्ठा देखें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इनकी ये दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने ज्ञान को केंद्र में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहब के हर शब्द को जीवन मंत्र मानते हुए हम सबके लिए आखिर में यही कहा, अब गुरु ग्रंथ साहब ही उसका हर शब्द, उसका हर पन्ना आने वाले युगों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये भी उनके त्याग की मिसाल का अंश था। उससे भी आगे जब पंच प्यारे और खालसा पंथ की रचना, उसमें भी पूरे भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था। जब लोग आदि शंकराचार्य की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आदि शंकर ने हिंदुस्तान के चारों कोने में मठ का निर्माण करके भारत की एकता को बल देने का प्रयास किया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उन पंच प्यारे की पसंद करके समग्र हिंदुस्तान को खालसा परंपरा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधने का उस जमाने में अद्भुत प्रयास किया था, जो आज भी हमारी विरासत है। और मैं हमेशा हृदय से अनुभव करता हूं कि मेरा कुछ खून का रिश्ता है, क्योंकि जो पहले पंच प्यारे थे उन पंच प्यारों को ये नहीं कहा गया था आपको ये मिलेगा, आपको ये पद मिलेगा, आगे आइए, नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का कसौटी का मानदंड भी बड़ा ऊंचा रहता था। उन्होंने तो सर कटवाने के लिए निमंत्रण दिया था, आइए आपका सर काट दिया जाएगा और इस त्याग के आधार पर तय होगा आगे कैसे बढ़ना। और अपना सर देने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग आगे आए, उसमें एक गुजरात के द्वारिका का दर्जी समाज का बेटा वो भी आगे आया और पंच प्यारों में उसने जगह पाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने उसको गले लगाया और पंच प्यारे खालसा परंपरा निर्माण तो किया था गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने,
वे चाहते उस दिशा में ये परंपरा चल सकती थी, लेकिन ये उनका त्याग, उनकी ऊंचाई थी कि गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने स्वयं को भी उस बंधनों में बांध दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पंच प्यारे हैं, ये जो खालसा परंपरा बनी है, मेरे लिए भी क्या करना न करना, कब करना, कैसे करना, ये जो निर्णय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब का इससे बड़ा त्याग की कल्पना कोई कर नहीं सकता कि जिस व्यवस्था ने खुद को खड़ी की, खुद की प्रेरणा से व्यवस्था खड़ी हुई, लेकिन उस व्यवस्था को उन्होंने अपने सर पे बिठाया और स्वयं को उस व्यवस्था को समर्पित कर दिया और उस महानता का परिणाम है आज 350 साल का प्रकाश पर्व मनाते हैं। तब दुनिया के किसी भी कोने में जाए, सिख परंपरा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, वो वहां नतमस्तक होता है, अपने आप को समर्पित करता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने जो परंपरा रखी थी उस परंपरा का पालन करता है। तो ऐसी एक महान प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे, ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद ना हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे थे। समाज सुधारक हो, वीरता की प्रेरणा हो, त्याग और तपस्या की तपोभूमि में अपने आप को तपाने वाला व्यक्तित्व हो, सब गुण संपन्न, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। हम भी सर्व पंथ समभाव के साथ समाज का हर वर्ग बराबर है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, इन महान मंत्रों को लेकर के हम भी देश में सब दूर उन आदर्शों को प्रस्थापित करेंगे, देश की एकता मजबूत बनेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमें वीरता भी चाहिए, हमें धीरता भी चाहिए, हमें शौर्य भी चाहिए, हमें पराक्रम भी चाहिए, हमें त्याग और तपस्या भी चाहिए। यह संतुलित समाज व्यवस्था, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब के हर शब्द में, जीवन के हर काम में हमें प्रेरणा देने वाली रही है और इसलिए आज इस महान पवित्र आत्मा के चरणों में सर झुकाने का सौभाग्य मिला है। आज गुरु गोविंद जी महाराज साहब के उसी स्थान पर आकर के गुरु ग्रंथ साहब को भी नमन करने का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि हमें प्रेरणा देता रहेगा। यहां नीतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पर्श किया, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी, लेकिन मैं नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। समाज परिवर्तन का काम बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, उसको हाथ लगाने की हिम्मत करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और मैं भी
पूरे बिहार वासियों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक जीवन में काम करने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं, ये जन जन का काम है। उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा और मुझे विश्वास है कि जो बिड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के काम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये प्रकाश पर्व भी उनको आशीर्वाद देगा, उनको एक नई ताकत देगा और मुझे विश्वास है कि बिहार देश की एक बहुत बड़ी अनमोल शक्ति बनेगा। देश को आगे बढ़ाने में बिहार बहुत बड़ा योगदान करेगा क्योंकि ये बिहार की धरती है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब से अब तक अनेक महापुरुष हमें दिए हैं। राजेंद्र बाबू की याद करें, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह की कल्पना की भूमि है ये, है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अनगिनत अनगिनत नर रत्न इस धरती ने मां भारती की सेवा में दिए हैं। ऐसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो प्रेरणा हम सबके लिए एक नया आदर्श, नई प्रेरणा, नई शक्ति देती है। इसी एक अवसर को, प्रकाश पर्व को, ज्ञान के प्रकाश को जीवन भर अपने अंदर ले जाने के संकल्प के साथ हम इस प्रकाश पर्व को मनाएं। विश्व भर में जो भी भारत सरकार के अलग अलग मिशन के द्वारा, एम्बेसीज के द्वारा ये प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का स्मरण करने वाले सभी जनों को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार ने इस प्रकाश पर्व को बहुत व्यापक रूप से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मनाने की योजना बनाई है, कमेटी बनाई है, 100 करोड़ रुपया उस काम के लिए लगाया है। रेलवे ने अलग से करीब 40 करोड़ रुपया लगा करके सारी व्यवस्थाएं इस प्रकाश पर्व के निमित्त खड़ी की है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने भी करीब 40 करोड़ रुपया लगा करके अनेक विध योजनाओं को साकार करने की दिशा में काम किया है ताकि ये हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला काम बने। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं फिर एक बार इस अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर सहभागी बनने का मुझे सौभाग्य मिला, अपने जीवन को धन्य मानता हूं। आप सबसे प्रणाम करते हुए, जो बोले सो निहाल, सत्य का।